हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मेहदी हसन खान। आपका स्वागत है मेहदी कूल सर्विस में। आप देख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज जो इंस्टॉल हो रहा है। जी हाँ, हम आज आपको बताएंगे कोल्ड रूम इंस्टॉलेशन के बारे में, कैसे इंस्टॉलेशन होता है, किस प्रकार होता है, क्या रखा जाता है और किस लिए कोल्ड स्टोरेज लगता है, किसको लगता है। ये कोल्ड स्टोरेज बनाना रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर हुआ, एप्पल हुआ, मेडिसिन हुआ, फर्मा हुआ, आइसक्रीम हुआ, हर किस्म के प्रकार की जिसको 2 टन 3 टन माल स्टॉक करते हैं वो, उसके लिए ये कोल्ड स्टोरेज आप देख सकते हैं, ये कोल्ड स्टोरेज लगता है। इसके बारे में मैं आपको पूरा वीडियो डिटेल्स बारे में बताऊंगा, कोल्ड रूम इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है, और आप पैसा भी इसमें बचा सकते हैं। जो डीलर हैं, ऑल महाराष्ट्र के डीलर, ऑल इंडिया के डीलर, जो कोल्ड रूम के डीलर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे के आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं। जी हाँ, मेहदी कूल सर्विस के साथ आप जुड़िए और मुझे काम दीजिए, आपका काम एक नंबर होगा, अच्छा होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कोल्ड रूम इंस्टॉलेशन के बारे में। ये देखिए, आप देख रहे हैं इसका हैंडल स्टील का है, बहुत अच्छा स्मूथ हैंडल है। आप देख सकते हैं ये भी एल्युमिनियम GI कटिंग है, पतरा थिकनेस स्टील इंजीस है इसका। ये दरवाजे का आप देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिशिंग देता है। मेरा कहने का मतलब है, आप मुझे कांटेक्ट करिए, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कराइए, आपका पैसा ही बचेगा, आपका वक्त भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा और अच्छा काम भी होगा। देखिए फ्रेंड, ये है सीलिंग जो हमने चढ़ाया है अभी, और ये है कोल्ड स्टोरेज जो अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है। ये पूरा इंस्टॉलेशन होएगा, मैं आपको एक अच्छा वीडियो बना के दूंगा किस प्रकार मेहदी कूल सर्विस इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करता है। और मेरा FB पे पेज है मेहदी हसन खान, जिसे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। गूगल पे भी मेहदी कूल सर्विस है, जो कोल्ड रूम इंस्टॉलेशन के स्पेशल वर्क सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोफाइल में ये अच्छी क्वालिटी का ये पैनल है, 80 mm थिकनेस है, गुड पैनल है। ये देखिए फ्रेंड, ये दरवाज़ा है, अंदर से भी एल्युमिनियम चक्कर प्लेट है। तो इसी के साथ आज हम आपको पूरा कोल्ड रूम इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करवा सकते हो, इसमें आपका मनी और वक्त टाइम दोनों बचेगा मेहदी कूल के साथ। थैंक यू वेरी मच।